रंगोला कला करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कला जगत में आउनी बाबू के नाम से प्रसिद्ध थे, नाम दिया गया अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर यामिनी रंजन राय। मित्रों कला जगत में अगर आप देखते हैं तो आउनी बाबू के नाम से कौन फेमस होता है जिसने बंगाल शैली को एस्टेब्लिश किया हो, जिसके बहुत सारे चेले होते हों। आप जानते हैं जिनके चेलों की संख्या लंबी चौड़ी होती है, चाहे शैलेंद्र नाड्डे हों, चाहे वो आपके नंदलाल बोस हों, चाहे आपके डीपी राय चौधरी हों, सबके सब यही आते हैं। जिनकी रचना शाहजहां की मृत्यु बहुत अच्छी है वही हैं आउनी बाबू यानी अवनींद्रनाथ टैगोर। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा, अगले क्वेश्चन पे आना पड़ेगा। दो नंबर क्वेश्चन, असित कुमार हालधार हलधार की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है, दिया गया कृष्ण राज नृत्य, सरस्वती, महाकाली या फिर द फ्लेम ऑफ म्यूजिक। मित्रों आपसे पूछा गया असित कुमार हालधार की मधुरता का सबसे बढ़िया वाला चित्र कौन सा है। असित कुमार हालधार भी इन्हीं के चेले होते हैं। आप जानते हैं असित कुमार हालधार द फ्लेम ऑफ म्यूजिक के लिए फेमस हैं, तो सही जवाब डी के साथ लगाना। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। तीन नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डीपी राय चौधरी हैं चित्रकार हैं, गीतकार हैं, मूर्तिकार हैं, इतिहासकार हैं। बहुत सारे लोग इसमें चित्रकार आंसर्स लगा देंगे, लेकिन मित्रों याद रखना बांग्लादेश में जिस कलाकार का जन्म होता है 15 जून 1899 को, वह कलाकार ज़्यादा फेमस होता है मूर्तिकार के रूप में, तत्पश्चात चित्रकार के रूप में। हालांकि पहले वो चित्रकार ही था, उसके बाद उसने जो है मूर्तिकला की शिक्षा हिरण्यमय राय चौधरी से लेता है और फिर जो है बढ़िया मूर्तिकार बनता है। तो चित्रकला मूर्तिकला, सही जवाब मूर्तिकार लगाना। हिरण्यमय राय चौधरी इनके जो है मूर्तिकला के गुरु रहे हैं, बहुत अच्छे मूर्तिकार के रूप में देवी प्रसाद राय चौधरी फेमस होते हैं। आप जानते हैं इनका एक पटना में बहुत अच्छा दृश्य रखा हुआ है, शहीद स्मृति, ये ब्रांज माध्यम यानी कांसा माध्यम में बना है शहीद स्मृति, कई बार पूछा गया है, इन्हीं मूर्तिकार के द्वारा बनाया गया जिनका नाम डी पी राय चौधरी है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। चार नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, मित्रों कौन से प्रसिद्ध कलाकार थे जो अपने उपनाम मास्टर मोशाई के नाम से फेमस हैं, नाम दिया गया आर्यन टैगोर, असित कुमार हालधार, जी एन टैगोर या फिर नंदलाल बोस। मित्रों मास्टर मोशाई के नाम से आप किसका नाम संबोधित करेंगे या मास्टर मोशाई के नाम से प्यार से आप किसे बुलाते हैं, तो मास्टर मोशाई के नाम से आप जानते हैं एक ही कलाकार जो आउनी बाबू का सबसे प्रिय कलाकार, सबसे प्रिय चितेरा होता है, जिसका जन्म मुंगेर बिहार में 3 दिसंबर के दिन होता है, 3 दिसंबर 1882 को जन्म होता है, कई किताबों में 1883 भी आपको देखने को मिलेगा, वही मास्टर मोशाई के नाम से जाना जाता है। नाम होता है नंदलाल बोस, जिनकी पहली प्रदर्शनी सती जो है ये सती 500 रुपये में खरीदी जाती है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में जब लगती है तब, ठीक है। पार्थ सारथी जिनकी बहुत अच्छी रचना है वही हैं, जमीन जोतने वाला भारतीय किसान से जिन्होंने हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर को सजाने का काम किया वो है नंदलाल बोस, याद रखना। शिल्प कथा और रूपावली जिन्होंने पुस्तक लिखी है वो है नंदलाल बोस। आउनी बाबू जिनके प्रिय गुरु रहे हैं, सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। पांच नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, आउनी बाबू ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ, नाम दिया गया कलकत्ता स्कूल है, पुनरुत्थान स्कूल है, बंगाल स्कूल है या फिर पटना स्कूल है। आउनी बाबू कौन से छोटे से स्कूल की स्थापना करते हैं जिसका नाम आगे चल करके बहुत फेमस हो जाता है, तो उसी को हम लोग बंगाल स्कूल के नाम से जानते हैं, सही जवाब जो है उसी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। छः नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अवनींद्रनाथ ठाकुर का पूर्णतया भारतीय शैली में बना पहला चित्र कौन सा है, भारत माता है, संध्या दीप है, शाहजहां की मृत्यु है या फिर शुक्लाभिसारे है। मित्रों आउनी बाबू का पूर्णतया भारतीय शैली में बना हुआ जो पहला चित्र माना जाता है शुक्लाभिसारे माना जाता है, सही जवाब सी के साथ लाना। वैसे तो उनके बहुत सारे चित्र हैं, चाहे मिथ्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट हो, चाहे आपके अन्य रचनाओं में जैसे शाहजहां की मृत्यु हो जाए, जैसे षडांग पे उन्होंने बहुत अच्छा लेख लिखा था, एक पुस्तक लिखी थी, कई किताबों में 1914 लिखा मिलेगा लेकिन 1921 में वो पुस्तक लिखी जाती है, चाहे इनकी अन्य रचनाएं जो बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, भारत माता हो, आप जानते होंगे भारत माता भी इनकी बहुत अच्छी रचना है। और आगे बढ़ते हैं, सात नंबर क्वेश्चन आता है। सात नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने कुल कितने चित्र बनाए। मित्रों 100, 200, 400, 1000 आपको बताना है। आउनी बाबू टोटल कितने चित्र बनाते हैं, 400। सही जवाब जो है बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। आठ नंबर पूछा गया, डीपी राय चौधरी की कृति श्रम का विजय, श्रम का विजय कहाँ संरक्षित है, नाम दिया गया आर्चर कला वीथिका अहमदाबाद में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है या फिर कोलकाता संग्रहालय कोलकाता में। डीपी राय चौधरी का जो श्रम का विजय है मित्रों बहुत अच्छी रचना मानी जाती है, ये श्रम का विजय आपको राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, तो जो सही जवाब बनेगा वो नई दिल्ली के साथ जाएगा। याद रखना डीपी राय चौधरी जो प्रख्यात मूर्तिकार के रूप में फेमस जाने जाते हैं, हिरण्यमय राय चौधरी जिसके कलाकार गुरु होते हैं यानी कि मूर्ति शिक्षण जिससे लेते हैं वो हैं, हालांकि चित्रकार की पेंटिंग किससे लेते हैं या शिक्षा किससे ग्रहण करते हैं, आपके आउनी बाबू से ग्रहण करते हैं।
तो मित्रों इनका श्रम का विजय कहाँ रखा हुआ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में रखा हुआ है। एक प्रतिकृति है, याद रखना है, एक प्रतिकृति है, कब की है? 1959 की। ठीक, सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता किसे कहते हैं? नाम दिया गया ईवी हेवेल हैं, रवि वर्मा हैं, एएन टैगोर हैं या फिर नंदलाल बोस हैं। मित्रों नवीन जागृति के पिता एएन टैगोर यानी अवनींद्रनाथ टैगोर कहा जाता है, अवनी बाबू को कहा जाता है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा गया संथाल स्त्रियों का किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रण किया? नाम दिया गया नंदलाल बोस ने किया, यामिनी रंजन राय ने किया, अमृता सरगल ने किया या फिर असित कुमार हालधार ने किया। संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रण करने का काम किया? मित्रों संथाल स्त्रियों को बहुत अच्छे से मास्टर मोशाय ने उकेरा है, तो सही जवाब आपको मास्टर मोशाय के साथ ही देना होगा, नंदलाल बोस के साथ ही देना होगा। वही नंदलाल बोस जो अवनी बाबू के बहुत अच्छे चितेरे होते हैं, अच्छे चेले होते हैं, जिन्होंने शिल्पकला रूपवली और बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, जिन्हें 1954 में पद्म विभूषण मिलता है, मित्रों वही आपके अवनी बाबू, नंदलाल बोस अवनी बाबू तो इनके गुरुजी। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीकी का प्रयोग किया? नाम दिया गया टेम्परा है, वास है, पेस्टल है या फिर तैल है। बंगाल शैली के चित्रकार हैं कौन सी तकनीकी का प्रयोग करते हैं? मित्रों जब तकनीकी की बात आती है तो वास पद्धति का प्रयोग ये लोग बहुत अच्छे से करते हैं, कई जगह आपको जल रंग देखने को मिल जाए तो जल रंग की चित्रण को बहुत अच्छे से उकेरते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आएगा 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देवलालीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की? नाम दिया गया मुंबई में, इंदौर में, जयपुर में या फिर पुणे में। देवलालीकर से मकबूल फिदा हुसैन ने कहां पे चित्रण की शिक्षा ग्रहण की थी? मित्रों वो आपका प्यारा शहर मुंबई का जो है, मध्य प्रदेश का इंदौर होता है। सही जवाब आपको किसके साथ देना होगा? सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कलाकार जो भैंसों का कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है? राम कुमार है, परमानंद चोयल है, गोवर्धन लाल जोशी बाबा है या फिर मंजीत बाबा है। मित्रों भैंसों का चितेरा कौन कहलाता है? आप जानते हैं परमानंद चोयल भैंसों को बनाने के लिए जाने जाते हैं। सही जवाब पीएन चोयल के साथ आंसर लगाओ। 14 नंबर क्वेश्चन पे आओ, पूछा गया विचित्र क्लब की स्थापना जोड़ासांको में कब हुई? जोड़ासांको ठाकुरवाड़ी में पड़ता है, बंगाल में पड़ता है, आपको बताना है 1907 में एस्टेब्लिश होता है, 1920 में होता है, 1915 या फिर 1917 में होता है। मित्रों विचित्रा क्लब आपसे पूछा गया, आप जानते हैं 1915 में विचित्रा क्लब की स्थापना होती है। सही जवाब जो है बी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, 15 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया निम्नलिखित में से कौन एएन टैगोर का शिष्य था? नाम दिया गया डीपी राय चौधरी, जीआर संतोष, शांति दबे और गुलाम शेख। मित्रों चार नाम पढ़ने पे आपको देवी प्रसाद राय चौधरी अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य में नाम आता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। 16 नंबर क्वेश्चन पे आना होगा, जापानी वास चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है? नाम दिया गया वी एस गायतोंडे, नाम दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर, नाम दिया गया अवनींद्रनाथ टैगोर, नाम दिया गया सुनैना देवी। मित्रों आपको बताना है जापानी वास चित्रण से कौन कलाकार ज़्यादा फेमस होता है, ज़्यादा प्रभावित होता है, तो आपके कौन कलाकार हैं जिन्होंने बंगाल से ली स्टब्लिक कर दी हो, जिन्होंने भारत में वास चित्रण को आगे बढ़ाने का काम किया हो। सही जवाब जो है बी के साथ बनेगा, अवनींद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर बनेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन पे आओ, पूछा गया मित्रों राम किंकर बेज का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? नाम दिया गया राजस्थानी परिवार, नूड, संथाल परिवार या फिर पहाड़ी परिवार। राम किंकर बैच के बारे में आपसे पूछा गया मित्रों क्वेश्चन से, आप जानते हैं संथाल परिवार इनकी बहुत अच्छी रचना है राम किंकर बैच की। राम किंकर बैच बहुत अच्छे कलाकार माने जाते हैं, याद रखना। जैसे कनु बेशाई आप जानते हैं कोलकाता वडोदरा में है, बहुत अच्छे कला निर्देशक के रूप में जानी जाती हैं। झनक झनक पायलिया बाचे जिनकी बहुत अच्छी रचना होती है, ऐसे राम किंकर बैच भी बहुत अच्छे कलाकार होते हैं। और राम किंकर बैच की जो सबसे अच्छी रचना है वो संथाल परिवार है, कई बार पूछी गई है, कई बार आपकी परीक्षा में छपा है, याद रखना। आगे बढ़ेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा गया सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? नाम दिया गया प्रभाववादी है, रंगवादी है, घनवादी है या फिर आकारवादी है। सैलोज मुखर्जी की कला कैसी है? मित्रों आपको लगाना होगा रंगवादी कला होती है। सही जवाब इसी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार है? नाम दिया गया डी पी राय चौधरी, ईश्वरी प्रसाद, सुधीर रंजन खासकर या फिर मुकुल चंडे। कौन मूर्तिकार के रूप में फेमस है? मित्रों जब मूर्तिकार की बात आती है डी पी राय चौधरी का नाम आता है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना होता है, ए इज द राइट आंसर बनाना होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भारत माता किसकी पेंटिंग है? नाम दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर की है, जी एन टैगोर की है, एएन टैगोर की है या फिर सुरेंद्र कुमार की है। मित्रों आप जानते हैं भारत माता 1905 में बहुत अच्छी रचना बनाई जाती है, किसके द्वारा बनाई जाती है? एएन टैगोर यानी अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई जाती है। सही जवाब जो है बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आए, 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्षितिनाथ मजूमदार कौन सी कला विधा से जुड़े हैं? नाम दिया गया मूर्तिकला, वास्तु चित्रकला, पेंटिंग मेकिंग या फिर टेम्परा।
मित्रों क्षितिजनाथ मजुमदार के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप जानते हैं वास चित्रण के लिए बहुत अच्छे कलाकार हैं क्षितिजनाथ मजुमदार। तो मजुमदार का नाम क्षितिजनाथ मजुमदार ऐसा नहीं पढ़ा है, वास चित्रण में बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया है तब जाके इनका कार्य इनसे जुड़ पाया है। तो सही जवाब जो है उसी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर बना लो। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे पूछा गया मित्रों कि म्यो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लाहौर में पहला प्राचार्य कौन बनता है। जॉन लॉक, वुड किपलिंग बनते हैं, समरेंद्रनाथ गुप्त बनते हैं, आनंद कुमार बनते हैं, या फिर रवींद्रनाथ टैगोर बनते हैं। मित्रों म्यो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में जो पहला भारतीय प्रिंसिपल होने का गौरव प्राप्त है, ऐसे भारतीय नहीं पूछा गया, पहला प्रिंसिपल कौन बनता है। जब पहला प्रिंसिपल आए तो लॉकवुड किपलिंग लगाना मित्रों, जॉन लॉक, वुड किपलिंग। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया मित्रों जख्म नामक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन है। नाम दिया गया केजू सुब्रमण्यम है, जैनुअल आब्दीन है, सोमनाथ हो रहे, चित्र प्रसाद है। आपको बताना है जख्म वाली रचना किसकी है। मित्रों जख्म शीर्षक से रचनाओं का कार्य जो है वो सोमनाथ होर का रहा है, तो सही जवाब जो है सोमनाथ होर के साथ देना होगा, सही जवाब सी के साथ लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया बंगाल शैली के जनक कौन है। नाम दिया गया रविन टैगोर है, जी एन टैगोर है, एन टैगोर है, या फिर नंदलाल बोस है। बंगाल शैली के जनक के रूप में पूछा गया है मित्रों, जिन्होंने बंगाल शैली एस्टेब्लिश की हो, नाम आएगा एन टैगोर, रवींद्रनाथ टैगोर। तो सही जवाब जो है वो बी के साथ लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आना होगा, 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, वास पेंटिंग का आरंभिक किस महाविद्यालय से हुआ। नाम दिया गया दिल्ली से हुआ, कोलकाता से हुआ, लखनऊ से हुआ, या फिर शांति निकेतन से हुआ। वास पेंटिंग की स्टार्टिंग कहाँ से दिखाई देती है मित्रों, कलकत्ता में बंगाल स्कूल से होता है, तो सही जवाब बंगाल स्कूल कोलकाता लगाना होगा, सही जवाब सी के साथ बनाना होगा। अवनी बाबू ने स्टार्ट किया है, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ, 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पूछा गया बंगाल शैली इनमें से एक विशेषता के लिए जानी जाती है। नाम दिया गया आयल तकनीकी के लिए, म्यूरल तकनीकी के लिए, वास तकनीकी के लिए, या फिर मिनिएचर तकनीकी के लिए। मित्रों आप जानते हैं जो बंगाल शैली होती है किसके लिए फेमस है, तो आपकी वास विधा के लिए जानी जाती है, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आए, 27 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है। नाम दिया गया बंगाल बिहार स्कूल से स्टार्ट होता है, और बंगाल स्कूल से स्टार्ट होता है, बिहार स्कूल से स्टार्ट होता है, कोलकाता से स्टार्ट होता है, फिर पटना स्कूल से स्टार्ट होता है। मित्रों जब भारतीय कला के पुनरुत्थान की बात होती है, पुनरुत्थान की अगर बात हो, तो आपको बंगाल से याद रखना होगा, अवनी बाबू के निर्देशन में, अवनी बाबू के तत्वावधान में ऐसा काम आगे बढ़ता है, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, 28 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन थे। नाम दिया गया अमृता सरगल, यामिनी रंजन राय, रवींद्रनाथ ठाकुर, या फिर नंदलाल बोस। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक के बारे में आपसे पूछा गया मित्रों, आप जानते हैं अवनी बाबू होते हैं, अवनी ठाकुर होते हैं, सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार हैं। नाम दिया गया यामिनी राय है, अमृता सरगल है, एन टैगोर है, या फिर एन एस बेंद्रे हैं। बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार के बारे में पूछा जा रहा है, सबसे उच्चस्थ कलाकार तो एन टैगोर यानी रवींद्रनाथ ठाकुर हैं, सही जवाब बी के साथ लगाना होगा। 30 नंबर क्वेश्चन पे आना होगा, पूछा गया भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। नाम दिया गया मद्रास स्कूल से होता है, कलकत्ता स्कूल से होता है, बंगाल स्कूल से होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। भारतीय आधुनिक चित्रकला का जो इतिहास स्टार्ट होता है मित्रों, वो स्टार्ट होता है बंगाल स्कूल से, तो आपको सही जवाब बी के साथ लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आना होगा, 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है। नाम दिया गया क्षेत्रीय मुगल शैली को जाता है, बंगाल स्कूल को जाता है, यूरोपियन शैली को जाता है, या फिर कंपनी शैली को जाता है। पुनर्जागरण का कार्य आप जानते हैं बंगाल से स्टार्ट होता है, तो उसे बंगाल शैली कहा जाता है, और बंगाल शैली यानी बंगाल स्कूल से स्टार्ट होता है, सही जवाब बी के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया मित्रों, औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है। नाम दिया गया हालदार की है, जी एन टैगोर की है, ए एन टैगोर की है, या फिर आर एन टैगोर की है। औरंगजेब का बुढ़ापा हमने कई बार नाम ले रखा है, आप जानते हैं मित्रों अवनी बाबू की रचना है, एन टैगोर सही जवाब बनेंगे, सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन है, रवींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए। नाम दिया गया टेम्परा में, वास में, वास में, या फिर तैल में। अवनी बाबू, रवींद्रनाथ टैगोर कौन से माध्यम में अपने चित्र बनाने का काम करते हैं मित्रों, इन्होंने अपना चित्रण जो है वास तकनीकी में बनाया है, सही जवाब जो है बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है 34 नंबर आपकी स्क्रीन पे, पूछा गया मित्रों रवींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे। नाम दिया गया रवि वर्मा है, इटालियन कलाकार गिलहार्डी हैं, अलाग्री नायडू हैं, या फिर थिएटर जेंसन है। मित्रों अवनी बाबू, रवींद्रनाथ ठाकुर के प्रारंभिक कलागुरु कौन रहे हैं। प्रारंभिक काल के अगर कलागुरु की बात होती है, इटालियन कलाकार गिलहर्डी होते हैं, सही जवाब बी के साथ देना होता है, बी इज द राइट आंसर बनाना होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन वास शैली से संबंधित नहीं है। पूछा गया वास शैली से संबंधित कौन नहीं है। नाम दिया गया सुरजिंद्र सिंह श्रृंगल नहीं है,
एस जी श्रीखंडे नहीं है, बद्रीनाथ आर्या नहीं है, या फिर हरिहरलाल मेड़ नहीं है। मित्रों, किसने जो है वास में काम नहीं किया है, वास शैली से संबंध अगर नहीं है तो वो एस जी श्रीखंडे का नहीं है। सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया, औरंगजेब का बुढ़ापा नामक सुरक्षित चित्र कहाँ है? बोस्टन संग्रहालय में है, शाही पुस्तकालय में है, राज्य पुस्तकालय रामपुर में है, या फिर बौद्ध संग्रहालय में है? औरंगजेब का जो बुढ़ापा वाला दृश्य है मित्रों, वो राज्य पुस्तकालय आपको रामपुर में देखने को मिलेगा। सही जवाब जो है सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया मित्रों आपसे, वास चित्रण पद्धति का जन्मदाता कौन है? रविन्द्र ठाकुर है, ए एन ठाकुर है, नाम दिया गया है क्षितिजनाथ मजुमदार का, या फिर नंदलाल बोस का। वास चित्रण का जो जन्मदाता माना जाता है मित्रों, वो बंगाल शैली का जनक माना जाता है, यानी अवनीनाथ ठाकुर माना जाता है, ए एन ठाकुर नाम होता है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है, आपसे पूछा गया डी पी राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? नाम दिया गया लखनऊ आर्ट स्कूल के थे, जयपुर आर्ट स्कूल के थे, मद्रास आर्ट स्कूल के थे, या फिर कलकत्ता आर्ट स्कूल के थे? डी पी राय चौधरी की अगर बात होती है मित्रों, तो आप जानते हैं मद्रास आर्ट स्कूल में इन्होंने पहले भारतीय प्रिंसिपल नहीं, हाँ बिल्कुल, पहले भारतीय प्रिंसिपल होने का गौरव प्राप्त होता है। सी इज द राइट आंसर लगाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था? नाम दिया गया कोलकाता में हुआ, जोड़ासाको में हुआ, दिल्ली में हुआ, या फिर मुंबई में हुआ? अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ पे हुआ? अवनींद्रनाथ ठाकुर का अगर जन्म की बात करते हैं, जोड़ासाको कोलकाता बंगाल में इनका जन्म होता है। आप जानते हैं मित्रों, इनका जो जन्म की बात होती है तो आपको ठाकुरवाड़ी का नाम भी याद रखना होगा, ठाकुरवाड़ी में इनका जन्म होता है, और बहुत अच्छे कलाकार होते हैं। 1871 में लगभग इनका जन्म होता है, 1871 की बात होती है, जोड़ासाको पश्चिम बंगाल कोलकाता। मृत्यु की अगर बात होती है 1951 में, कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा। भारतीय शिल्प सडांग पे इन्होंने बहुत अच्छे से बात की है, इनके बहुत सारे चित्र होते हैं, बहुत सारे कलाकार होते हैं। आप जानते होंगे भारत माता इनकी बहुत अच्छी रचना होती है, बुद्ध और सुजाता बुद्ध जन्म इनकी बहुत अच्छी रचना होती है, तो ये सब काम बहुत अच्छा रहा है। औरंगजेब का बुढ़ापा इनकी बहुत अच्छी रचना है। आगे बढ़ें, 40 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत माता नामक पेंटिंग के निर्माता कौन रहे हैं? मित्रों 1905 की रचना है, याद रखना 1905 की रचना है। पेंटिंग के निर्माता कौन है? एन टैगोर है, आर एन टैगोर है, जी एन टैगोर, या फिर उपयोग में से कोई नहीं? भारत माता बढ़िया रचना है, एन टैगोर की है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ, 41 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ट्रंप ऑफ लेबर यानी लेबर राइट वर्क मूर्ति के निर्माता कौन है? नंदलाल बोस हैं, डी पी राय चौधरी हैं, रामकिंकर वैस हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? मित्रों लेबर एट वर्क जो बढ़िया रचना मानी जाती है आपकी, लेबर एट वर्क वाली जो रचना है मित्रों किसकी है? आप जानते हैं प्रख्यात मूर्तिकार डी पी राय चौधरी की है। सही जवाब शी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किस मूर्तिकार ने शहीद स्मृति का निर्माण किया? नाम दिया गया धनराज भगत, रामकिंकर वैस, डी पी राय चौधरी, या फिर प्रदोषदास गुप्ता? मित्रों शहीद स्मृति की अगर हम बात करते हैं तो सही जवाब प्रख्यात मूर्तिकार डी पी राय चौधरी बनेंगे, सही जवाब बी के साथ बनेंगे। अगले क्वेश्चन पे आए, 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, डी पी राय चौधरी के चित्रण के विषय निम्नलिखित में से अधिकांश क्या होते थे? नाम दिया गया पशु है, महिला है, पुरुष है, या फिर पर्यावरण है? मित्रों डी पी राय चौधरी ज़्यादातर माध्यम में महिलाओं को देख करके चित्र बनाते थे, तो महिला विषयों पर इन्होंने ज़्यादा काम किया है। सही जवाब शी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछा गया भारतीय संविधान के मूल ग्रंथ किस कलाकार ने सृजित किया? नाम दिया गया डी पी राय चौधरी की है, हल्दार की है, रामकिंकर वैस की, या फिर नंदलाल बोस की? भारतीय संविधान के मूल ग्रंथों की पांडुलिपियों को बताने की बात कर रहे हैं मित्रों, किसने चित्रित किया है? तो सही जवाब आपका नंदलाल बोस बनेगा, सही जवाब डी के साथ बनेंगे, डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नंदलाल बोस के गुरु थे? नाम दिया गया यामिनी रंजन राय हैं, एन टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, या फिर गंगनाथ टैगोर हैं? मित्रों नंदलाल बोस के गुरु की बात हो रही है, आप जानते हैं जिन्होंने बंगाल से स्टैब्लिश किया हो, नाम होता है जोड़ासाको के लाल आउनी बाबू। सही जवाब सी के साथ बने गए। अगले क्वेश्चन पे आए, 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, हरिपुरा कांग्रेस का पोस्टर किसने बनाया था? नाम दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया, यामिनी रंजन राय ने बनाया, नंदलाल बोस ने बनाया, फिर अशोक कुमार हालदार ने बनाया? हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर को बताया होती है, आप जानते हैं हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर को नंदलाल बोस के द्वारा सज्जा किया जाता है, तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया हरिपुरा पैनल का विषय वस्तु बताइए? नाम दिया गया भारतीय ग्राम्य जीवन, रामायण, पौराणिक कथाएं, या फिर महाभारत? हरिपुरा पैनल की जो विषय वस्तु होती है मित्रों वो क्या होती है? आप जानते हैं भारतीय ग्राम्य जीवन होता है, तो सही जवाब जो है फर्स्ट के साथ लगाना होता है, ए इज द राइट आंसर बनाना होता है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर है, पूछा गया नव बंगाल शैली किस कलाकार की देन है? नाम दिया गया क्षितिजनाथ मजुमदार की है, यामिनी रंजन राय की है, नंदलाल बोस की है, फिर अमृता सहगल की है? नव बंगाल शैली आपसे पूछा जा रहा है, नव बंगाल शैली आप जानते हैं मित्रों नंदलाल बोस की देन है, सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? नाम दिया गया 24 परगना में हुआ, कोलकाता में हुआ, शांति निकेतन में हुआ, या फिर मुंगेर में हुआ? नंदलाल बोस के जन्म की बात होती है मित्रों, आप जानते हैं इनका जो जन्म होता है मुंगेर बिहार में होता है, सही जवाब बी के साथ लगाए, डी इज द राइट आंसर बनाइए, मुंगेर बिहार इज द राइट आंसर बनाइए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 50 नंबर यानी 50 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी की दांडी यात्रा किसकी रचना है? मित्रों नाम दिया गया रामकिंकर वैस की है, एन टैगोर की है, नंदलाल बोस की है, फिर शैलेंद्रनाथ डे की? गांधी जी की दांडी यात्रा बहुत अच्छी रचना है मित्रों, आप जानते हैं नंदलाल बोस के द्वारा यानी मास्टर मोशाई के द्वारा बनाई गई, सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ, 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शिल्पकथा और रूपावली नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? नाम दिया गया अजित कुमार हालदार है, नंदलाल बोस है, एन टैगोर है, या फिर रामकिंकर वैस? मित्रों आप जानते हैं शिल्पकथा और रूपावली दोनों पुस्तकें बहुत अच्छी हैं, मास्टर मोशाई के द्वारा लिखी गई हैं, तो सही जवाब सी के साथ बनाना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे,
52 नंबर क्वेश्चन सर के स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है। नाम दिया गया सरकारी आर्ट कॉलेज कोलकाता से है, शांतिनिकेतन वीरभूमि से है, जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से है, या फिर वनस्थली विद्यापीठ जयपुर से है। आपको बताना है नंदलाल बोस का नाम कौन सी संस्था से जुड़ा है। तो इन्होंने काम किया शांतिनिकेतन वीरभूमि में। सही जवाब जो है वो बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार पद्म विभूषण से सम्मानित है। नाम दिया गया नंदलाल बोस है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, आमिर रंजन राय, या फिर सरोज मुखर्जी। आप जानते हैं मित्रों पद्म विभूषण किसे मिलता है। पद्म विभूषण 1954 में मिलता है नंदलाल बोस को। कब? 1994 नहीं 1954 में मिलता है। सही जवाब फर्स्ट साथ लगाओ, इज द राइट आंसर बनो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 54 नंबर है। आपसे पूछा गया नंदलाल बोस को बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियों के लिए कब तैयार किया गया। नाम दिया गया 1918 में, 1925 में, 1921 में, या फिर 1927 में। बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ जो धार जनपद में है मित्रों, उसकी प्रतिलिपि तैयार करने के लिए जाते हैं 1921 में जाते हैं। सही जवाब जो है बी के साथ बनेगा। आप जानते हैं 1921 में अशित कुमार हालधर भी इनके साथ होते हैं। तो असित कुमार हालधर भी इनके साथ होते हैं। सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये होगा। पूछा गया मित्रों शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है। पूछा गया चित्रकला, मूर्तकला, पॉटरी, या फिर व्यवसायिक कला। मित्रों अब तो लगभग सभी की होने लगी है, पहले व्यवसायिक कला नहीं होती थी। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रामकिंकर वैज ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। नाम दिया गया शांति निकेतन, श्रेय निकेतन, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स, या फिर बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स। कलकत्ता। मित्रों रामकिंकर बैच की बात हो रही है। आप जानते हैं प्रख्यात मूर्तिकार होते हैं, बढ़िया कलाकार होते हैं। आप जानते हैं शांतिनिकेतन में इन्होंने पढ़ा है। सही जवाब फर्स्ट साथ लगाओ, इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया रामकिंकर बैच का जन्म कहाँ हुआ था। नाम दिया गया उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश, या फिर मुंबई। आप जानते हैं रामकिंकर बैच का जन्म कहाँ हुआ मित्रों, तो आप जानते हैं बंगाल में हुआ। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार है। नाम दिया गया एम एफ हुसैन है, मूर्तम शोध है, रणवीर सिंह बिष्ट है, या फिर रामकिंकर बैच। मित्रों मूर्तिकार के रूप में अभी जस्ट हमने बताया कि रामकिंकर वैज बहुत फेमस नाम है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया रामकिंकर वैज के गुरु कौन थे। हमने रंजन राय, एम एफ हुसैन, नंदलाल बोस, या फिर इनमें से कोई नहीं। कला गुरु की बात होती है, आप जानते हैं मित्रों नंदलाल बोस के चेले हैं रामकिंकर वैज। तो सही जवाब जो है वो बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। रामकिंकर वैज थे चित्रकार, मूर्तिकार, साहित्यकार, कभी आपको जानते हैं कि रामकिंकर वैज किस रूप में ज़्यादा फेमस रहे हैं मित्रों, किस रूप में ज़्यादा फेमस रहे हैं। आप जानते हैं मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा फेमस रहे हैं। तो डी के साथ आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 61 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। पूछा गया रविन्द्रनाथ टैगोर की उम्र के सातवें दशक यानी 70 वर्ष की उम्र में, लगभग 67 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनाया नृत्य कला, सितार, चित्रकारी, या फिर तबला। रविंद्र बाबा की बात होती है जिन्हें एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार मिलता है। आप जानते हैं दो दो देशों के इन्होंने राष्ट्रगीत को लिखा है, राष्ट्रगीत नहीं राष्ट्रगान को लिखा है मित्रों। सही जवाब होगा चित्रकारी के। 1913 में जिन्हें एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार मिलता है, जनगणमन और अमार सोनार बांग्ला, ये दोनों देशों के लिए यानी बांग्लादेश के लिए और भारत के लिए इन्होंने राष्ट्रगान को लिखा है। सही जवाब आपको चित्रकारी के साथ देना होगा, सही जवाब बी के साथ देना होगा। 67 वर्ष की उम्र में चित्रकारी की ओर उन्मुख होते हैं। अगला क्वेश्चन 62 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, कह रहा है नई दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक में स्थापित यह छेक्षणी नामक मूर्ति शिल्प किसके द्वारा निर्मित किया गया। डी पी राय चौधरी बनाए, रामकिंकर वैज बनाए, प्रदोष दास गुप्ता बनाए, या फिर इनमें से कोई नहीं। यह छेक्षणी की मूर्ति की बात होती है। आप जानते हैं मित्रों प्रख्यात कलाकार होंगे रामकिंकर वैज, रामकिंकर वैज की रचना है। सही जवाब फर्स्ट साथ लगाओ, इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 63 नंबर होगा। आपसे पूछा जा रहा है टैगोर का व्यक्तिचित्र किसकी कृति है। नाम दिया गया डी पी राय चौधरी की है, रामकिंकर वैज की है, एन टैगोर की है, फिर मैं फुसैन की है। मित्रों टैगोर का व्यक्ति चित्रण रचना पूछा जा रहा है। आप जानते हैं एन टैगोर की है यानी उन्नीना टैगोर की है। तो सही जवाब आपको बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर। किसकी कृति है, किसकी कृति है पूछा गया, किसकी रचना है। ठीक है, एन टैगोर की है, टैगोर का व्यक्ति चित्रण। ठीक है, तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके 64 पे है। लास्ट जर्नी नामक चित्र किसका है। नाम दिया गया अवनी बाबू का है, हलदर का है, डी पी राय चौधरी का है, या फिर अमनी रंजन राय का है। लास्ट जर्नी की अगर बात करते हैं मित्रों, सही जवाब अवनी बाबू के साथ बनता है। सही जवाब फर्स्ट साथ लगाओ, इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ। 65 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है। नाम दिया गया चित्रकार, साहित्यकार, मूर्तिकार, कवि। किस रूप में आप नहीं जानते हैं, तो रविन्द्र बाबा को आप नहीं जानते हैं मूर्तिकार के रूप में। याद रखना मूर्तिकला के रूप में इन्होंने काम ही नहीं किया। अगला क्वेश्चन 66 नंबर है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन अब्बन ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध है। नाम दिया गया अवनीन्द्रनाथ ठाकुर, छितिनदास मजूमदार, नंदलाल बोस, या फिर डी पी राय चौधरी। अब्बन ठाकुर के नाम से कौन जाना जाता है, जिन्हें आप प्यार से अवनी बाबू के नाम से जानते हैं, वही अब्बन ठाकुर भी रहे हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया निम्नलिखित में से किसे कांस्य माध्यम में मूर्तियां भी निर्मित की। नाम दिया गया शांति देवी, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, सोमनाथ होर, या फिर रामकुमार। कांस्य माध्यम में ज़्यादा काम किया है मित्रों सोमनाथ होर ने। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष होती है। 1921 में, सॉरी 1901 में, 1919 में, 1905 में, या फिर 1921 में। शांति निकेतन में कला भवन पूछा गया, शांति निकेतन में कला भवन कब बनता है मित्रों, 1919 में बनता है। सही जवाब जो है उसी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 69 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्रों में किस प्रकार के हैं।
नाम दिया गया बंगाल पुनर्जागरण, यूरोपीय शास्त्रीय आधुनिक विमूर्त या फिर प्राचीन शास्त्रीय शैली। अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्रों में कौन से प्रकार आपको दिखाई देते हैं? मित्रों सही जवाब बंगाल पुनर्जागरण बनेगा, सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, फर्स्ट के साथ बनेगा, हाँ इज द राइट आंसर बनेगा। अवनी बाबू के टैगोर के चित्रों में किस प्रकार के दृश्य आपको दिखाई देते हैं? मित्रों अगर बात करते हैं बंगाल पुनर्जागरण की, यूरोपीय शास्त्रीय शैली की, आधुनिक विमूर्ति शैली की या फिर प्राचीन शास्त्रीय शैली की, अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के आपको दिखाई देते हैं? अगर आप चित्र देखेंगे मित्रों तो कैसा दृश्य दिखाई देगा आपको? बंगाल पुनर्जागरण का दृश्य आपको यहाँ दिखाई देगा। तो सही जवाब जो बनेगा फर्स्ट के साथ बनेगा, इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आपके स्क्रीन पर रहा। पूछा गया वह कौन सा चित्रकार था जिसकी कर्मभूमि जोड़ा साहू थी? नाम दिया गया डीपी राय चौधरी, गंगनाथ ठाकुर, अवनींद्रनाथ ठाकुर या फिर नंदलाल बोस। मित्रों जिसका कर्मभूमि जोड़ा साहू रहा हो ऐसा दृश्य पूछा जा रहा है, ऐसा कलाकार तो आप जानते हैं जिस कलाकार का जन्म ही जोड़ा साहू ठाकुरवाड़ी बंगाल में हुआ है, वह कलाकार कौन है? आपके अवनींद्रनाथ ठाकुर। सही जवाब जो है वो बी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली के हैं? नाम दिया गया विमूर्त शैली, मुगल शैली, बंगाल शैली या फिर कंपनी शैली। अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र कौन सी शैली के हैं ये आपसे पूछा गया। मित्रों आप जानते हैं बंगाल शैली में इनका कार्य ही हुआ है तो बंगाल शैली के चित्र आते हैं। अगला क्वेश्चन 72 नंबर है। पूछा गया निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? नाम दिया गया वी शांतारमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। नोबेल पुरस्कार की अगर बात होती है 1913 में मिलता है, गीतांजलि के लिए मिलता है। सही जवाब किसका साथ जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ जाएगा। सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 73 नंबर है। मित्रों आपसे पूछा गया किसका पूर्णतया भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र शुक्लाभिषारे है? नाम दिया गया के अब्बार का है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है, अमृता सर्कल का है या फिर के एस कुलकर्णी का। प्रथम चित्र माना जाता है भारतीय शैली का बना हुआ वो कलाकार कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया आधुनिक भारतीय कलाकार में किस कलाकार ने मुगल और राजस्थानी चित्रों में अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया? नाम दिया गया रवि वर्मा है, एन टैगोर है, अमनी रंजन राय है या फिर नंदलाल बोस। मुगल और राजस्थानी चित्रों को अपने अभिव्यक्ति का आधार किसने बनाया है? मित्रों ऐसा दृश्य जो है एन टैगोर ने बनाया। तो सही जवाब जो है सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। 75 नंबर क्वेश्चन है। नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ था? नाम दिया गया 1877 में हुआ, 1897 में हुआ, 1882 में हुआ या फिर 1883 में हुआ। मित्रों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसमें, बहुत सारे लोग कुछ लगा रहे होंगे, बहुत सारे लोग कुछ लगा रहे हैं, कुछ लोग बी लगाएंगे, कुछ लोग सी लगाएंगे। कई किताबों में आपको 83 दिखाई देगा, कई जगह आपको 82 दिखाई देगा। सही जवाब बी के साथ लगा लो मित्रों, बी इज द राइट आंसर हम भी लगाते हैं, बी इज द राइट आंसर आप भी लगा लो, हो सके तो लगा लो मित्रों, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लगाना चाहते हैं। फिलहाल हमने जो पढ़ा है, हमने जो अकॉर्डिंग देखा है उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं मित्रों। आयोग भी शायद यही मानता है। मुंगेर बिहार, 3 दिसंबर 1882। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 76 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया मित्रों कि द्रामणकोर मंदिर में हरिजन प्रवेश उद्घोषणा काशी मूर्ति किसकी है? नाम दिया गया वी एस गायतोंडे की है, रविन्द्रनाथ टैगोर की है, अमृता सरगल की है या फिर डी पी राय चौधरी की है। द्रामणकोर मंदिर में हरिजन प्रवेश उद्घोषणा काशी मूर्ति किसकी है? मित्रों काशी मूर्ति की अगर बात होती है तो सही जवाब जो बनता है वो आपके डी पी राय चौधरी के साथ बनता है। काशी रचना में डी पी राय चौधरी बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं। सही जवाब डी के साथ लगाओ। 77 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। नंदलाल बोस की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? नाम दिया गया आयल माध्यम, तेल रंग, जल रंग या फिर टेम्परा। आपको बताना है नंदलाल बोस की पेंटिंग है कौन से माध्यम की है। मित्रों जब माध्यम की बात आती है तो आपको यहाँ टेम्परा माध्यम लगाना होता है, डी इज द राइट आंसर बनाना होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन है। नंदलाल बोस किससे प्रेरणा लेते हैं? जवाहरलाल नेहरू, ई वी हैवेल, शुभो टैगोर या फिर महात्मा गांधी। नंदलाल बोस किससे प्रेरणा ली? नंदलाल बोस ने प्रेरणा की अगर बात होती है मित्रों आप जानते हैं नंदलाल बोस मास्टर मोशाय यानी महात्मा गांधी से प्रेरणा लेते हैं। सही जवाब जो है बी के साथ बनेगा, डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर। 79 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों नंदलाल बोस किस शिक्षण संस्थान से संबंधित थे? नाम दिया गया लाहौर, मुंबई, लखनऊ, शांति निकेतन। आपको सही जवाब जो है शांति निकेतन के साथ देना होगा, सही जवाब डी के साथ देना होगा। अगले क्वेश्चन पे आना होगा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर है। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार था जिसने बंगाल शैली में नवीन प्रयोग किया? नाम दिया गया एन टैगोर है, नंदलाल बोस है, रविन्द्रनाथ टैगोर है या फिर अशोक कुमार हालदार। मित्रों बंगाल शैली में नवीन प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? नवीन प्रयोग नंदलाल बोस के द्वारा किया जाता है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 81 नंबर क्वेश्चंस होगा। अवनींद्रनाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे? नाम दिया गया तंत्र कला से, सुरीलवाद से, सन क्रोजियम से या फिर बंगाल स्कूल से। अवनींद्रनाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित होते हैं? अगर आंदोलन की बात होती है बंगाल शैली का नाम आता है, अवनी बाबू बंगाल शैली से ही जुड़ेंगे। सही जवाब सी के साथ नहीं, डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 82 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया मित्रों इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किसने रखी? रविन्द्र टैगोर, गगनेन टैगोर, नंदलाल बोस या फिर इनमें से कोई नहीं। मित्रों इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की बात होती है आप जानते हैं ऐसी संस्था किसके द्वारा? गगनेन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा की जाती है। सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। 83 नंबर क्वेश्चन पे आओ। पूछा गया कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नंदलाल बोस ने किसके साथ मिलकर के म्यूरल बनाने का काम किया? नाम दिया गया बिंद्रे के साथ मिले, गगनेन्द्रनाथ टैगोर के साथ मिले, यामिनी रंजन राय के साथ काम किया या फिर अमृता सरगल के साथ काम किए हैं। मित्रों जो सही जवाब बनेगा भारत के पिकासो यामिनी रंजन राय के साथ मिलकर के म्यूरल बनाने का काम किया। सही जवाब जो है बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगेगा।
अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 84 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में नहीं है। दिया गया डीपी राय चौधरी नहीं है, हल्दार नहीं है, नंदलाल घोष नहीं है, या फिर गोपाल घोष नहीं है। मित्रों आपको सटीक आंसर्स देना है। अगर हम सटीक आंसर्स की बात करते हैं, गोपाल घोष का नाम यहाँ शामिल नहीं है, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे 85 नंबर क्वेश्चन, शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों का निर्माण किसने किया था। विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया, केजी सुब्रमण्यम ने किया, या फिर नंदलाल घोष ने किया। मध्ययुगीन हिंदू संतों के चित्रों की अगर बात होती है मित्रों, तो आपको सटीक आंसर्स विनोद बिहारी मुखर्जी के साथ देना होता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना होता है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर है, आपसे पूछा गया शांति निकेतन में कौन बंगाल शैली का कलाकार नहीं है। नाम दिया गया शारदा चरण के लिए, सूर्य प्रसाद, सुधीर रंजन खासगिरी, या फिर मुकुल चंडे। कौन बंगाल शैली का कलाकार नहीं है, कौन बंगाल शैली का कलाकार नहीं है मित्रों, आपको ईश्वरी प्रसाद के साथ देना होगा, सही जवाब जो है उसी के साथ लगाना है। अगले क्वेश्चन पे आना 87 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया आधुनिक भारतीय चित्रकला का पितामह कौन है। एन टैगोर है, जी एन टैगोर है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आधुनिक भारतीय चित्रकला का जो फादर कहलाता है अवनींद्रनाथ टैगोर कहलाते हैं, सही जवाब जो है फर्स्ट आप बनता है, इज द राइट आंसर होता है। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन होगा, कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे। नाम दिया गया ए वी हेबल है, हल्दार है, नंदलाल घोष है, या फिर के जी सुब्रमण्यम है। कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य के रूप में कौन फेमस होते हैं मित्रों, प्राचार्य ए वी हेबल है, अर्नेस्ट पेनफील्ड हेबल है, सही जवाब फर्स्ट साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ 89 नंबर क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन असंबद्ध है। नाम दिया गया के सी एस पनिक्कर है, नाम दिया गया एन एस बेंद्रे है, नाम दिया गया अमृता सरगल है, नाम दिया गया मुकुल चंडे है। कौन सा असंबद्ध है मित्रों आपको बताना है, सही जवाब आपको देना है। सही जवाब क्या होगा मित्रों, मुकुल चंडे जो है असंबद्धता के रूप में दिखाई देते हैं, बाकी सभी जो है इनके कलाकारिता के रूप में दिखाई देते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन से प्रोफेसर मदन लाल नागर थे, चित्रकार थे, लेखक थे, मूर्तिकार थे, या फिर ग्राफिक कलाकार थे। मदन लाल नागर को आप किस रूप में जानते हैं, चित्रकार के रूप में ज़्यादा फेमस हैं, सही जवाब फर्स्ट हाथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ 91 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणिकर निम्नलिखित में से किस ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य रहे हैं। नाम दिया गया कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स में रहे, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स में रहे, मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट्स में रहे, या फिर लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स में रहे हैं। चिंतामणिकर की बात होती है आप जानते हैं, इन्होंने सेवाएं कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स में दिया है, तो सही जवाब फर्स्ट हाथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ 92 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया पैन एसेनिजियम निम्नलिखित में से संबंधित है। एशियाई कला उदाहरणा है, यूरोपीय कला उदाहरणा है, पश्चिमी कला उदाहरणा है, या फिर अफ्रीकी कला उदाहरणा है। पैन एसेनिजियम की अगर बात होती है मित्रों, आप जानते हैं एशियाई कला उदाहरणा होती है, सही जवाब फर्स्ट हाथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ 93 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे। नाम दिया गया अवनींद्रनाथ ठाकुर हैं, सुधीर रंजन शास्त्री हैं, अशित कुमार हालदार हैं, या फिर रणवीर सिंह बिष्ट। लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे, प्रथम भारतीय प्राचार्य की बात होती है, अशित कुमार हालदार का नाम आता है, सी इज द राइट आंसर बनता है। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे 94 नंबर क्वेश्चन आप जिस स्क्रीन पर ये रहा। पूछा गया आनंद कुमार स्वामी की प्रिय पत्नी थी। नाम दिया गया स्टेला ब्रांच है, स्टेला कैमरेज हैं, रत्ना देवी हैं, या फिर निमेशी कोई नहीं। आनंद कोडिस कुमार स्वामी की बात होती है, प्रिय पत्नी स्टेला ब्रांच होती हैं, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 95 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पूछा गया वर्ष 2008 में प्रकाशित पेंटिंग्स ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध पुस्तक है। नाम दिया गया पर्सी ब्राउन ने लिखी है, आनंद कोडिस कुमार स्वामी ने लिखी है, आर सो कुमार ने लिखी है, या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। पेंटिंग्स ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर पुस्तक किसकी है मित्रों, पेंटिंग्स ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर आर शिवकुमार के द्वारा लिखी जाती है, सही जवाब शी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 96 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन कलाकार आज बंगाल का प्रसिद्ध कलाकार है। नाम दिया गया गणेश पाइन है, गणेश हालोइन है, मनीषी जे हैं, या फिर सभी। मित्रों आज बंगाल का बढ़िया बढ़िया कलाकार हैं, बढ़िया बढ़िया कलाकारों में आप देखना तो गणेश हालोइन का नाम आता है, सही जवाब शी के साथ बनता है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे 97 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पूछा गया एन टैगोर के पुनर्जागरण कला में तकनीकी दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला की क्या देन है। नाम दिया गया तैलीय रंग है, वाष्प चित्रण है, मिश्रित रंग माध्यम है, या फिर पेस्टल चित्रण है। पुनर्जागरण काल में तकनीकी दृष्टि से क्या देन आती है मित्रों, आप जानते हैं कि वाष्प चित्रण यहाँ पे बहुत अच्छे से आता है भारतीय पुनर्जागरण में, तो सही जवाब शी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 98 नंबर क्वेश्चन है, किस चित्रकार ने ठेठ यूरोपियन शैली में चित्रकारिता की है। नाम दिया गया नंदलाल घोष ने की, अवनींद्रनाथ टैगोर ने की, रवि वर्मा ने की, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठेठ यूरोपियन शैली में चित्रकारिता किसके द्वारा की जाती है मित्रों, रवि वर्मा के द्वारा की जाती है, सही जवाब के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 99 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पूछा गया अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड बर्ड, आउल एंड बर्ड किस माध्यम में है, कास्ट में है, लोहे में है, टेराकोटा में, या फिर कांच में है। अवनी बाबू की रचना है आउल एंड बर्ड मित्रों, आप जानते हैं कास्ट माध्यम में वगैरह गया है, तो सही जवाब फर्स्ट साथ लगाओ, इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 100 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया आपसे किस कलाकार ने कास्ट और कपड़े में बने कुटुंब काटम शिल्पकृति की रचना की है। नाम दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर ने की, अवनींद्रनाथ टैगोर ने की, रामकिंकर बैज ने की, या फिर अजीत चक्रवर्ती के द्वारा की जाती है। कुटुंब काटम शिल्पकृति किसकी है मित्रों, आप जानते हैं ये रचना अवनी बाबू की है, तो सही जवाब अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 101 नंबर क्वेश्चन से। पूछा गया अवनींद्रनाथ ठाकुर के दल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। सुरेंद्रनाथकर और एस एन गुप्ता, नंदलाल बोस, अशित कुमार हालदार, सलेना डे, शारदा चरण उकील, और रविशंकर रावल। आपको बताना है कौन इनके दल में शामिल नहीं रहा है मित्रों, यहाँ रविशंकर रावल का नाम हमने नहीं सुना है, बाकी सुने हैं, सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ
अगला क्वेश्चन से 102 नंबर आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया, रवीन्द्रनाथ टैगोर का टेम्परा और वास पद्धति में बना चित्र यात्रा का अंत कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में, भारत कला भवन वाराणसी में, खुदाबक्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में है, या फिर प्रिंस वेल्थ ऑफ संग्रहालय बंबई में है? आपको बताना है मित्रों, यात्रा का अंत किसकी रचना है? रवीन्द्रनाथ टैगोर की है। किस कहाँ रखा हुआ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली में है। तो सही बात, फर्स्ट साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 103 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पूछा गया रवीन्द्रनाथ टैगोर प्रवर्तक थे, भारतीय ईरानी कला परंपरा के थे, भारतीय परंपरा और यूरोपियन यथार्थवाद के थे, ईरानी कला परंपरा और चीनी कला से थे, या फिर भारतीय कला परंपरा और अफ्रीकी कला से रहे? रवीन्द्रनाथ टैगोर प्रवर्तक किसके रहे मित्रों? आप जानते हैं ये प्रवर्तक जो रहे हैं वो भारतीय परंपरा और यूरोपीय यथार्थवाद से रहे हैं। सही जवाब जो लगाना होगा वो बी के साथ लगाना होगा, बी इस तरह राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 104 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा, पूछा गया नंदलाल बोस द्वारा चित्रित शिव और सती चित्र कहाँ सुरक्षित है? नाम दिएगा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, हैदराबाद संग्रहालय आंध्र प्रदेश में है, या फिर प्रयाग संग्रहालय प्रयागराज में है? मित्रों आपको बताना है शिव और सती कहाँ सुरक्षित है। शिव और सती जो रचना है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 105 नंबर आपकी स्क्रीन पे, नंदलाल बोस ने अपना प्रसिद्ध चित्र दांडी मार्च किस विधि में बनाया? नाम दिएगा टेम्परा में, तेल में, वास में, या फिर लिनोकट में? आप जानते हैं मास्टर मोशा की रचना है दांडी मार्च। दांडी मार्च अच्छी रचना है मित्रों, लिनोकट विधि में इन्होंने बनाई है। सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 106 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया कागज पर जलरंग से बना चित्र रासलीला के चित्रकार कौन है? नंदलाल बोस हैं, अक्षत कुमार हालदार हैं, चैतन्यनाथ मजूमदार हैं, या फिर रवीन्द्रनाथ टैगोर हैं? रासलीला के चित्रकार कौन है मित्रों? आप जानते हैं चैतन्यनाथ मजूमदार हैं। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 107 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया मोहम्मद अब्दुल रहमान चौधरी का प्रसिद्ध चित्र राधिका कहाँ सुरक्षित है? नाम दिएगा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, सेंट्रल एशियन एग्जीक्यूटिव संग्रहालय नई दिल्ली में है, गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में है, या फिर राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय बेंगलुरु में है? मित्रों आपको बताना है राधिका चित्र जो यार चौधरी के द्वारा बनाया गया है बहुत अच्छी रचना मानी जाती है, कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में संग्रहित है। सही बात, फर्स्ट साथ लगा लो, इज द राइट आंसर बना लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन है आपसे पूछा गया मित्रों, वर्ष 1940 में चित्रित मेघदूत श्रृंखला है सारदा चरण वीर की है, रामगोपाल विजयवर्गीय की है, के वेंकटप्पा की है, या फिर राजा रवि वर्मा की है? मित्रों आप जानते हैं जो मेघदूत श्रृंखला है 1940 वाली ये रामगोपाल विजयवर्गीय की है। तो सही जवाब जो है बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। 109 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्या पूछा गया मित्रों आपसे पूछा गया है कि रामगोपाल विजयवर्गीय को उनके किस काव्य संग्रह पे राजस्थान अकादमी ने कविता पुरस्कार से सम्मानित किया? अभिसार निशा के लिए किया था, तीन नारियां घड़ा लिए हुए हैं इस पे किया था, विज्ञान सुकुतल पे किया था, भैर उमर खयाम के लिए किया था? रामगोपाल विजयवर्गीय को कविता पुरस्कार मिलता है किसके द्वारा मिलता है? आप जानते हैं काव्य संग्रह के लिए राजस्थान अकादमी सम्मानित करती है, तो ये इनकी अभिसार निशा के लिए करती है। सही जवाब फर्स्ट साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 110 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारत माता का चित्र बनाया गया अवनी बाबू के द्वारा, श्रीपुंग घोष के द्वारा, अमृता सरगल, या फिर सभी के द्वारा? आप जानते हैं मित्रों जो भारत माता चित्रण है बहुत अच्छा रचना माना जाता है, और अमृता सरगल ने भी बनाया है, मूलचंद घोष ने भी बनाया, अवनी बाबू ने बनाया है, और इसके साथ MF हुसैन ने भी बनाया है, याद रखना। तो सही जवाब सभी के साथ लगा लो, डी इज द राइट आंसर बना लो। जरूरी नहीं है सभी के लिए कि जो है सभी ने ऐसा बनाया हो, लेकिन हाँ किसी का बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन 111 नंबर है, पूछा गया बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक थे, नाम दिया गया रवीन्द्रनाथ टैगोर हैं, JP गांगुली हैं, जामनी रंजन राय हैं, या फिर KG सुब्रमण्यम हैं? बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक के रूप में कौन फेमस हैं? तो आप जानते हैं मित्रों अवनी बाबू इसके प्रवर्तक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, इसके संस्थापक होते हैं। सही जवाब फर्स्ट साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 112 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, DP राय चौधरी थे, नाम दिया गया मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, डिजाइनर हैं, या फिर छायाकार हैं? मित्रों DP राय चौधरी क्या थे? मूर्तिकार थे। सही जवाब फर्स्ट साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 113 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्षितिनाथ मजूमदार किस मूर्ति या किस स्कूल के कलाकार थे? नाम दिया गया पहाड़ी स्कूल, बंगाल स्कूल, राजस्थानी स्कूल, या फिर मैसूर स्कूल? क्षितिनाथ मजूमदार कौन से स्कूल के कलाकार रहे हैं? मित्रों सही जवाब बंगाल स्कूल बनता है। सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 114 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, आपसे पूछा गया मित्रों क्या द ट्रंप ऑफ लेबर DP राय चौधरी द्वारा बनाया गया एक सार्वजनिक मूर्तिकला श्रृंखला है जो क्या दर्शाती है? मित्रों क्या दर्शाएगी वो? नाविक एक समूह तूफानी नदी में अपनी नाव को संघर्ष कर रहे हैं, किसानों का एक समूह जो भूमि के टुकड़े के लिए खेती कर रहा है, नहीं ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राजमिस्त्रियों का एक समूह है जो पत्थर के एक बड़े टुकड़े को उठाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, ये ऐसा है। जबकि मछुआरा एक समूह में अपनी मछली पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं। तो राजमिस्त्रियों का एक समूह है बड़ा पत्थर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा दर्शाया गया है इसमें, किसमें? ट्रंप ऑफ लेबर में। सही जवाब फर्स्ट साथ लगाओ, अच्छा सी के साथ लगाओ, सी इस द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ। 115 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों, आपसे क्या पूछा गया 115 नंबर में? पूछा गया व्हेन विंटर कम्स विक्टर ऑफ हंगर्स मूर्ति DP राय चौधरी ने किस माध्यम में बनाई थी? कौन से माध्यम में इन्होंने व्हेन विंटर्स कम्स की बात की है? व्हेन विंटर्स कम्स की अगर बात करते हैं, प्लास्टर पेरिस में बनाया है कि पत्थर में बनाया है, स्टेनलेस स्टील में बनाया है, फिर कांसे में बनाया है? मित्रों ये मूर्ति जो है आपको कांसे में दिखाई देगी। सही जवाब व्हेन विंटर्स कम्स के लिए आपको कांसा माध्यम बनाना होगा, सी नहीं बी इज द राइट आंसर बनाना होगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, आपने बड़े आकार में आउटडोर मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। नाम दिया गया रामकिंकर भैंस हैं, हिम्मत शाह हैं, डी पी राय चौधरी हैं, या फिर नाम दिया गया पी राजू नैन का। आप जानते हैं बड़े आकार में आउटडोर मूर्ति कौन बनाने के लिए जाना जाता है, डी पी राय चौधरी जाने जाते हैं। सही जवाब सी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 117 नंबर। आपसे पूछा गया मित्रों, हरम का कैदी, रासलीला, ए ड्रामिक पोज ऑफ ए मैन इन अ लार्ज क्लार्क एंड हैंड, और उसके साथ द ट्रूबिशियंस जैसी रचनाएं किसकी हैं। नाम दिया गया आउनी बाबू की हैं, चितिननाथ मजूमदार की हैं, नाम जयाप्पा स्वामी का है, और डी पी राय चौधरी का है। आपको बताना है ये सारी अच्छी रचनाएं हैं किसके द्वारा बनाई जाती हैं। सभी की सभी अच्छी रचनाएं हैं, डी पी राय चौधरी ने बनाई, चाहे वो हरम का कैदी हो, चाहे वो रासलीला हो, ठीक है मित्रों, चाहे ट्रूबियंस की बात हो, डी पी राय चौधरी की रचना है। सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 118 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया, दो बहनें नृत्यांगनाएं, धरती की बेटी, अभिसारिका, ये सब रचनाएं किसके द्वारा रचित हैं। नाम दिया गया सुधीर रंजन खासगीर के हैं, परमजीत सिंह के हैं, उसके साथ दिया गया दिनकर कौशिक के हैं, या फिर शांतो दत्ता के हैं। आपको बताना है किसकी रचना है मित्रों। ये सब रचनाएं चाहे नृत्यांगना हो, चाहे धरती की बेटी हो, चाहे अभिसारिका हो, चाहे दो बहनें हो, अच्छी रचनाएं हैं, और सभी की सभी सुधीर रंजन खासगीर की हैं। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। उम्मीद है ओवरऑल जो आपको ये क्वेश्चन सर दिखाए गए बंगाल सरी से जुड़े हुए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे होंगे, बहुत लाभकारी रहे होंगे। ओएमआर शीट पे आपने मेहनत की होगी, ठीक है, ओएमआर शीट पे आपने काम किया होगा। कितने क्वेश्चन सही गए हैं कभी माध्यम से जरूर छापिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।